यूपी के बुलंदशहर में छेड़खानी की वजह से जान गंवाने वाली सुदीक्षा पर हमारी ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। गरीब परिवार की ये बेटी सुदीक्षा अमेरिका में पढ़ रही थी और छुट्टियों में घर आई हुई थी। चाचा के साथ बाइक पर वो अपने मामा के घर जा रही थी। मनचलों की वजह से हुए दर्दनाक हादसे में इस होनहार छात्रा की मौके पर मौत हो गई। परिवार में मातम है। सुदीक्षा अपने चाचा सतीन चौधरी के साथ बाइक पर जा रही थी। आज तक से बातचीत में छात्रा के चाचा ने वारदात की पूरी कहानी बयां की। हम बाइक पे अपने लड़के की वो टीसी कटाने के लिए हम जा रहे थे बाइक से। उसके मामा भी रास्ते में ही पढ़ते हैं, तो सुदीक्षा को 20 तारीख में वापसी अमेरिका जाना था, तो वो बोली कब मैं भी अपने मामा से नानी से वहाँ पे मिलाऊंगी नानी के पास, अब चलो तो तुम इधर। तो हम जा रहे थे, तो जाते समय हमने बुलंदशहर पार करा। बुलंदशहर पार करने के पास में समथिंग, मेरे को याद नहीं है कौन सी जगह है वो, लेकिन कुछ लड़के पीछे से बुलेट बाइक पे आए और हमारे आगे पीछे वो करने लगे, कभी आगे कभी पीछे। मैंने अपनी बाइक मंदी की, उन्होंने फिर एकदम तेजी से आगे निकाली। तेजी से आगे निकालने के बाद में फिर हमने थोड़े आगे गए, तो उन्होंने फिर अपनी बाइक मंदी करके पीछे की। पीछे करने के बाद में फिर एकदम वो हमसे एकदम आगे निकले, उन्होंने एकदम ब्रेक मारे। ब्रेक मारने के बाद में मैंने भी ब्रेक मारे और वो ब्रेक मार के आगे, लेकिन हम बाइक से गिर चुके थे। लेकिन बात यही है क्या कि पुलिस कह रही है क्या कि एक तो कि आप बाइक नहीं चला रहे थे, भाई चला रहा था, तो आप इस पर क्या कहते हैं? बाइक मैं ही चला रहा था, हम तीनों साथ में थे, बाइक तो मैं ही चला रहा था, वो बैठा था। और पुलिस इस ट्वीट को कर रही है, उस पे को पुलिस वो में जोर दबाव उस पे डाल रही है कि बाइक भाई चला रहा था या अंकल चला रहा था, उस पे जोर नहीं दे रही का वो मन चले जो हमारे साथ में दुर्घटना घटी है उस पे कोई कार्रवाई करने की कोशिश कर नहीं रहे हैं, लेकिन इस पे को ये कर रहे हैं कि भाई चला रहा था बाइक को। अच्छा, आपने देखा होगा कि क्या था उनका हुलिया, क्या था बाइक का नंबर, क्या था, कुछ आपको याद है, कुछ ध्यान है? ऐसा मेरे को कुछ ध्यान में नहीं था, मेरे पहले भी चोट लगी हुई है सर में, मेरे एक्सीडेंट हो चुके हैं पहले भी, तो मैं इतना वो कंट्रोल में नहीं था, मैं नहीं कर पाया। मैं जैसे बाइक से गिरा हूँ, मेरे भी मुझे बड़ी दिक्कत हुई है उस पे बुलेट पे। इतनी तो मैं देख पाया था का यूपी 13 जाट, इतनी देख पाया था, वो फिर लेके भाग चुके थे वहाँ से, मेरे को फिर कुछ ऐसा वो नहीं पता। ये पूरा वाकया सड़क पे चलता रहा कितनी देर तक? ये 2-3 किलोमीटर, 2 या 1 किलोमीटर के आसपास समथिंग ऐसा चला। तो उस समय आपने कुछ कोशिश की उनको कि वहाँ से इसको अवॉइड किया जाए, उनको वो आपको लग गया था शुरू से ही कि वो पीछा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कभी आगे कभी पीछे जा रहे थे, मगर निकल जाएंगे इनको निकलने को, हमें क्या पता था कहीं ऐसे होगा हमारे साथ में हादसा होगा, तो हमने भी ज़्यादा उस पर वो नहीं दिया। मग कभी आगे कभी पीछे जा रहे हैं, मग निकल जाएंगे थोड़ी बहुत देर में, लेकिन उन्होंने हमें क्या पता था हमारे साथ में ऐसे होगा। पुलिस का ये भी कहना है कि आपने शिकायत तुरंत दर्ज नहीं कराई? जब पुलिस वहाँ मौके पर आधे घंटे बाद वहाँ पर पुलिस पहुँची है, वहाँ पर पहुँचने के बाद में जब पुलिस ने वहाँ पर देखा है, तो पुलिस को कार्रवाई वहाँ पर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? पुलिस हमसे बोल रही है, हम अपनी स्थिति में नहीं है कि हम जो कुछ वहाँ पर पुलिस को वो कराए, पुलिस ने अब तक हमारे पास में कोई वो नहीं करा हमारे। और सुदीक्षा के पिता का आरोप है कि पुलिस सही से जांच नहीं कर रही है बल्कि हमारे ही परिवार को घेर रही है। होनहार बेटी को खोने का गम, और दूसरी तरफ आपको लगता है कि पुलिस जिस तरीके से काम करना चाहिए पुलिस को, वो नहीं कर रही? अभी तक तो नहीं, एक वाइट और भेज रही है, बाइक का सवाल उठा रही है कि बाइक कौन चला रहा था। बाइक कोई भी चला रहा था, मेरी तरफ से मानना है कि मेरा भाई चला रहा है, मेरा भतीजा चला रहा था, बाइक चला रहा था, जो बाइक चला रहे थे जिनने स्टंट किए हैं आगे पीछे बाइक लगाई है और जिसने बच्ची को गिराया है, उन तक नहीं पहुंच रही है, वाइट और बना रही है पुलिस। नहीं लगता है कि जिस तरीके से उस पर सवाल उठ रहे हैं, पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, उस वजह से आपके परिवार पर सवाल उठाया जा रहा है? मेरे परिवार पे तो सवाल उठाया जा रहा है, मेरी बच्ची का अरे मेरा गम नहीं दिख रहा, और सवाल और उठाया जा रहा हमारे ऊपर। अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं, कुछ नहीं, आना नहीं जाना नहीं किसी का, और सवाल और उठा रही बाइट के माध्यम से। क्या लगता है क्या कि पुलिस जिस तरीके से मुस्तैद होनी चाहिए थी इस पूरे मौके पर,
क्योंकि सुबह की घटना है, कल सुबह की 9:30 बजे की। लेकिन उसके बाद जो पुलिस का रवैया रहा है, आप उससे किस तरीके से लेते हैं? पुलिस समय पे आई, पुलिस ने शिकायत दर्ज की, पुलिस का क्या कुछ रहा, अभी तक क्या कुछ किया है? अभी तक कुछ नहीं है, अभी तक कुछ नहीं है। 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, पुलिस ने कुछ नहीं? कुछ नहीं अभी तक। परिवार से आपसे बातचीत, कुछ जानकारी लेने की कोशिश? कुछ नहीं। लेकिन पुलिस तो बयान दे रही है, खूब दे रही है बयान, वो बहुत सारी बातें कर रही है कि बाइक कौन चला रहा था। तो फिर अगर आपसे बात नहीं हुई है तो फिर ये सब बयान किस आधार पर दिया जा रहा है? अपने पास से। तो इससे भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल बुलंदशहर के जिलाधिकारी प्रवीण कुमार मामले को कुछ और ही रूप दे रहे हैं। कुछ और लोग जिनके पास सच्ची जानकारी थी उनसे वार्ता की गई, जिसमें पता लगा कि वह अपने छोटे भाई जो कि नाबालिग थे उनके साथ बाइक में बैठ के अपने मामा के घर जा रही थी। रास्ते में ट्रैफिक के कारण आगे एक बाइक रुकी और इनका भाई इनके बाइक को संभाल नहीं पाया तो इनकी बाइक आगे वाले बाइक से टकरा गई, जिसमें ये गिर पड़ी। इनको चोट आया, चोट आने के बाद तुरंत स्थानीय प्रशासन को सूचना देने पे एम्बुलेंस आई और इनको CHC औरंगाबाद में भर्ती कराया गया, लेकिन फिर आगे जाके इनकी मौत हो गई। तो इसमें कतिपय बात यह है कि एक तो नाबालिग जो भाई थे वो बाइक चला रहे थे, ये लोग हेलमेट नहीं पहने थे। अब चाचा का बाइक चलाना ये बात गलत है, वेरीफाई कर लिया गया है। जिला प्रशासन से जो भी हो पाया कि मौके पे सूचना मिलते ही इनको एम्बुलेंस भेज के अस्पताल भेजना और वहाँ पे सुचारू रूप से इलाज की व्यवस्था करना, तो ये बात सही है। और जिन लोगों द्वारा भ्रांति फैलाई जा रही है ये बात अच्छी नहीं है। तो मामला लगातार उलझता जा रहा है क्योंकि परिवार कुछ कह रहा है, पुलिस का कोई और बयान सामने आ रहा है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।